got my coffee. Now we are talking. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. And ये again एक weekend getaway kind of vlog होने वाला है. And I am going to a place जहाँ पे मैं last time भी गई थी. I'm going to Jaipur. I don't know if I have told you guys. Not Jaipur exactly. Basically हम लोग इस बार मंदिर वाला trip करने वाले हैं. So we are going to Mehndipur Balaji Temple and tomorrow we will be visiting Khatu Shyam Ji. तो बिल्कुल यही दो दिन का ही trip है. Friday and Saturday. Saturday शाम को ही हम वापस चले जाएंगे बिकॉज दीज वर द टू प्लेसेज दैट वी हैव बीन मीनिंग टू विजिट. लास्ट टाइम भी प्लान बना था बट सम डेट्स इशूज उसके वजह से देन वी हैड टू चेंज द प्लान. तो फिर हमने जयपुर की टूरिस्टी लोकेशंस हमने लास्ट टाइम विजिट करी थी. इस बार हम ये दोनों मंदिर जाने वाले हैं. लास्ट नाइट आई स्लेप्ट एट 4:30 एंड आज सुबह आई हैव वोकन अप एट 6. तो मैं डेढ़ घंटे की नींद पे चल रही थी एंड आई वाज सो स्लीपी एंड आई हैड जीरो एनर्जी व्हाटसोएवर. इसीलिए व्लॉग लेट स्टार्ट करी बिकॉज आई वॉन्टेड कॉफ़ी फर्स्ट एंड द मोमेंट आई गॉट माई कॉफ़ी आई एम बैक विथ फुल एनर्जी. एंड द रोड ट्रिप बिट इज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट. जब हम लास्ट टाइम जयपुर गए थे उस टाइम पे इट वॉज सो फॉगी एंड प्रॉपर ऐसा विंटर टाइम था. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल व्यू. अभी इतनी धूप है, इतनी धूप है दैट वी आर फीलिंग ऑल डिहाइड्रेटेड एंड द स्किन इज ऑल्सो ड्राइड अप. मेरा मेकअप क्रैक होने लग गया है. एंटर्ड द मेहंदीपुर विलेज और अभी मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पे है. अच्छा 5 बजे से 9 बजे तक तो खुला तो होगा ही. एंड ये गांव है, यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे सिविलाइजेशन है. दिस इज द कार पार्किंग एरिया. यहाँ इस जगह की वाइब्स बिल्कुल ही अलग है. लाइक नोएडा में हम रहते हैं एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. ओ माई गॉड, आई डिड नॉट व्लॉग मच ड्यूरिंग द रोड ट्रिप बिकॉज ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट शुगर कोटिंग इट बट दिस वॉज द मोस्ट बोरिंग रोड ट्रिप दैट आई एवर हैड. लाइक द प्लेस राजस्थान जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे वॉज स्टिल हैपनिंग. ये तो बिल्कुल ही सुनसान है. देर इज़ नथिंग दूर दूर तक. आई एम नॉट एबल टू सी एनी बडी. नो सिविलाइजेशन एज सच, ओनली दिस वन हाउस एंड यहाँ से 200 मीटर दूरी पे ही मंदिर है. सो लेट्स सी कि उधर कैसा होता है. बट देन बहुत ज़्यादा गर्मी है. लाइक लू चल रही है यहाँ पे. देर आर हीट वेव्स. लाइक बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है एंड लाइक माई स्किन इज़ बर्निंग. इट इज़ वेरी 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 हॉट. लाइक वेदर तो बिल्कुल ही इट इज़ लाइक अ ड्रास्टिक चेंज फॉर अस एंड आई एम श्योर कि स्किन तो बिल्कुल ही जल जाएगी यहाँ पे. बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मुझे गर्मी लग रही है. आई विल सी इफ आई एम अलाउड टू व्लॉग देयर. अदरवाइज मैं वहाँ से आके आप लोगों को बताऊँगी कि व्हाट द एक्सपीरियंस वॉज लाइक. अभी तक हमने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं इस मंदिर के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच इज़ टू बी ऑनेस्ट अ बिट ओवरवेलमिंग. लाइक अ लॉट ऑफ रूल्स एंड प्लस इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल्स उन्होंने काफ़ी सारे दे हैव टोल्ड लाइक कॉन्सिक्वेंसेज. सो दैट इज़ अ बिट ओवरवेलमिंग. बट या वील जस्ट टेक अ लिटल वॉशरूम ब्रेक एंड देन गो एंड सी वॉट इट एक्चुअली इज ऑल अबाउट. यहीं पे रख दे. और क्या सामने तो ये लाइट वाला खंभा है, यहीं से एंट्री है. अच्छा ये लाइट वो 10 मिनट और प्रसाद वगैरह किधर से लेना? पैर जल गए. दिस फ्लोर इज लिटरली एट 100 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. Finally back. I will tell you exactly what happened and what are my like opinions. So हम लोग ना बहुत ज्यादा excited थे इस वाले मंदिर आने के because मतलब as a family only we are quite religious and हम लोग पसंद करते हैं कि if ever we are going out on like a family trip तो we
ट्राई टू इंक्लूड सम टेम्पल और सम रिलीजियस प्लेस बिकॉज हम चारों को ही बहुत ज्यादा पसंद है एंड इट गिव्स दैट पॉजिटिव ऑरा एंड इट जस्ट फील्स नाइस. ठीक है, तो अब हम इस वाले मंदिर में जब आए थे, इट हैज बीन ऑन ऑल ऑफ आवर बकेट लिस्ट सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेरा भाई था टू बी ऑनेस्ट. एंड वाई? बिकॉज आई फील कि ये वाला जो पर्टिकुलर मंदिर है ना, मेहंदीपुर बालाजी, इफ यू सर्च अबाउट इट ऑन गूगल और ऑन यूट्यूब, तो आपको जो इस मंदिर के अराउंड कॉन्टेंट दिखेगा, दैट कॉन्टेंट इज वेरी, आई डोंट नो इफ आई शुड यूज दिस वर्ड, बट वेरी क्लिक बेटी, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक यू नो कि देर आर नेगेटिव एनर्जीज एंड पीपल आर बींग पोजेस्ड एंड ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. नो डाउट, सी मैं उत्तराखंड से हूँ एंड आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस रियल टाइम, लाइक अपने आंखों के सामने. सो आई एम नॉट समवन हु विल एवर एवर क्वेश्चन एनी ऑफ दैट. ठीक है, आई एम अ बिलीवर, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर टेम्पल. सो बेसिकली हम लोग अंदर गए, ठीक है, दर्शन किए. मैंने आपको इफ यू सॉ इफ बट एंट्री तक का आई शॉट, ठीक है, उसके बाद देयर वाज रिटन कि अंदर मंदिर में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, एंड जहां पे भी ऐसा लिखा होता है आई रिस्पेक्ट इट. ठीक है, बिकॉज मैं भी दर्शन करने के लिए गई हुई हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड टू मेक एनीबडी अनकम्फर्टेबल. सभी लोग वहां दर्शन के लिए गए थे, मैं भी दर्शन करके आई, बहुत अच्छे से दर्शन हुए. वहां पे थे कुछ लोग जो मतलब साइड में जहां यू नो जो पाथवे था वहां पे बैठे हुए थे एंड मे बी दे वो फीलिंग समथिंग, बट इट वॉज नथिंग इतना ज्यादा जैसा वीडियो में दिखाते हैं. एंड मैं ये नहीं बोल रही कि वैसा नहीं होता होगा या वो झूठ है वो गलत है, होता होगा, वैसा होता हुआ भी हमने देखा हुआ है, होता होगा, बट देर इज नथिंग इतना ज्यादा टू बी स्केर्ड अबाउट. ठीक है, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, एनर्जीज होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ दैट. बट अगर यू नो यू हैव दिस डाउट इन माइंड कि जाना चाहिए, बिकॉज वॉट हैपेंड वॉज हमने जब वीडियोज देखी तो उसपे पीपल वर लाइक पीछे नहीं मुड़ना, किसी को छूना नहीं, कुछ खाना मत, अदरवाइज यू नो यू विल टैग समबडी अलोंग विद यू. मतलब इतना डरने का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज अ टेम्पल, भगवान जी का मंदिर है, देर इज अ वेरी स्ट्रांग डिवाइन प्रेजेंस दैट आई फेल्ट, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, मस्ट विजिट वंस. एंड इतना डरने वाला कुछ भी नहीं है जितना ज्यादा मुझे लगता है इंटरनेट पे दीज डेज रिलीजन को लेके, मंदिरों को लेके, भगवान जी को लेके चीजों को बहुत ज्यादा हाइपअप कर दिया. इट इज जस्ट लाइक एनी अदर टेम्पल दैट यू वुड गो टू, यू विल फील वेरी गुड. ठीक है, देयर माइट बी सम नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर है वो आपकी हील होती है, इट इज अ टेम्पल नोन फॉर इट्स हीलिंग पावर्स, बट देन दैट इज अ गुड पॉइंट, राइट. सो वी ऑल फेल्ट कि बहुत अच्छी जगह थी एंड इतना डरने का कुछ था नहीं जितना यूट्यूब वीडियोज ने दिमाग में वो भ्रम डाल दिया था ना, वैसा कुछ भी नहीं था. एंड उसके बाद राम सीता का मंदिर था, वहां पे वीडियोग्राफी वॉज अलाउड, सो आई जस्ट टुक वन शॉट टू शो यू गाइज. बालाजी मंदिर में भी अंदर ऐसे ही था, पहले बालाजी के दर्शन हुए, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन हुए एंड उसके बाद हमें प्रेतराज जी के दर्शन हुए थे. एंड एनीवेज हमारे कान्हा जी तो हमारे साथ थे ही, सो वी फेल्ट वेरी वेरी गुड. अब हमारा ना प्लान ऐसा बन रहा है कि पहले हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से हमारा इधर टाइम ज्यादा लगना था, ठीक है, बट क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे आए थे, अगर आपको ना सिर्फ दर्शन ही करने हैं एंड आरती वारती का आपका ऐसा मतलब यू आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, तो आप ना दोपहर के टाइम पे विजिट करो, सो आपको दर्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे. हम लोगों को मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा एंड अब हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग इस रेस्टोरेंट जा रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी हंग्री. दिस इज द रेस्टोरेंट दैट वी आर गोइंग टू, आर के थानी रेस्टोरेंट. तो इस बार मैंने अपना होटल जो है वो मेन जयपुर सिटी में ही किया था बिकॉज वी आर लाइक कि ज़्यादा कुछ प्लान्स तो थे नहीं, तो इफ़ यू गेट टाइम वी माइट विजिट इधर उधर की जगहें. जयपुर में कुछ ऐसा सच बचा नहीं था, हमारा नाहरगढ़ फोर्ट रह गया था देखना, तो अभी हमने प्लान किया है कि इफ़ यू गेट टाइम तो वी माइट विजिट नाहरगढ़ फोर्ट, बट फर्स्टली वील जस्ट हैव लंच एंड उसके बाद आई विल टेल यू द प्लान फॉरवर्ड. Amazing. In the
इन बिटवीन नोवेयर, लाइक मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, बट बालाजी मंदिर से जयपुर जाने की तरफ देर इज़ अ रेस्टोरेंट कॉल आर के ठाणी रेस्टोरेंट. हमने बहुत ऑथेंटिक राजस्थानी लंच किया. वी एट केर सांगरी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड गट्टे की सब्जी जो कि सबसे ज़्यादा टेस्टी थी. पनीर वॉज इन दैट गुड, बट जो एकदम ट्रेडिशनल फूड था इट वॉज यम्मी. अच्छा सूरज तो डूबेगा, सूरज डूबेगा नहीं क्या, बारिश आएगी तो दिखेगा कहाँ देखो सूरज ऐसे मौसम में दिख जाएगा. सो वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है बट अभी हमारे पास बहुत टाइम है. अभी तो नहरगढ़ का डालू है. हाँ नहरगढ़ का ही डालना, होटल क्यों जाना है. अगर वेदर इसी हिसाब से रहा तो हो सकता है हमें सनसेट उतना प्रॉपरली ना दिखे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्लाउडी. But yeah, I'm very excited because Nahargarh Fort is on my bucket list since a very, very long time. And I want to witness that sunset and that night city starry wala feel. So I'm very, very excited. I just took a 1 hour nap and I feel so much better and fresh now. बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी है. We are मम्मी के पास होगा ना सबके वोटर आई डी, नहीं वो तेरा नहीं. We are currently at नहरगढ़ फोर्ट. यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मे बी आज ना दिखे बिकॉज मौसम ख़राब हो गया है. अभी बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, मैं तो सो गई थी उस टाइम पर. बट द वे अप टिल हियर वॉज ब्यूटिफुल, बट अभी बहुत आंधी टाइप्स चल रही है तो वी आर नॉट श्योर कि हम लोग को सनसेट देखने मिलेगा कि नहीं. बट नंदलेस आई वॉन्टेड टू विजिट दिस प्लेस, इट वॉज ऑन माई बकेट लिस्ट सिंस वेरी लॉन्ग. लास्ट टाइम हम प्रॉपर प्लान करके आए थे बट नहीं जा पाए. इस बार बिना प्लान किए हम यहाँ पहुँच गए. सो आई गेस डेस्टिनी राइट. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक दिस प्लेस इज रियली रियली ब्यूटिफुल. दिस इज वॉट आई एम seeing currently, like the place in the beginning only is so pretty, like I'm already loving it. That was 50 rupees per person andar ki ticket, 52 rupees per. Oh look at the monkeys, ye mera camera na le jaye bas uthale jayenge. Ye kitna cute hai, hello bandar. Meri to height hi nahi pahunchegi. मेरे को तो कुछ नहीं देखना कैमरे में देखी. हाँ तू देखा यहाँ से इतने मजेदार नहीं दिख रहा. अभी मैंने गूगल किया था, सो अकॉर्डिंग टू गूगल दिस फोटो इज बिल्ट बाय राजा, फॉरगॉट द नेम, बट ही बिल्ट इट जस्ट फॉर द रॉयल फैमिलीज हंटिंग एक्सपेडिशंस. मतलब उस जमाने के राजा महाराजाओं के ठाट ही अलग थे. सिर्फ हंटिंग एक्सपेडिशन के लिए दे बिल्ट दिस एंटायर फ्रिकिंग फोर्ट. लाइक अभी जहाँ पर हम गए थे दैट वॉज अ प्लेस कॉल्ड कली बुर्ज, एंड वहाँ से बहुत अच्छा व्यू देखा पूरी सिटी का. आई फेल वेरी लाइक वेरी 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 स्मॉल, लाइक द वर्ल्ड इज़ सो बिग एंड हमारे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वो वाला माइंड सेट उसमें चली गई थी. आंधी चल रही है या तो मैं बहुत हल्की हो गई हूँ या हवा बहुत तेज चल रही है. नहीं नहीं हो जाएगा. अरे उड़ जाएगी तो मैं क्या, मतलब मेरा उड़ना मंजूर है, काना का उड़ना मंजूर नहीं है. दोनों गिर जाओगे. नहीं गिरेंगे. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर मी ओवर द साउंड ऑफ द विंड, बट अभी हमने टिकट लिया है ऊपर जो कैफे वाला एरिया है ना सनसेट का, जहाँ से हम देख रहे थे दैट वॉज लाइक अ फ्री सनसेट व्यू. बट मुझे इधर से देखना था जहाँ पे ऊपर कैफेज हैं बिकॉज दैट लुक सो प्रिटी एंड आई वॉन्टेड टू एंजॉय द सनसेट वाइल्ड हैविंग समथिंग. तो अभी हमने टिकट ले लिया एंड वी आर गोइंग अपवर्ड्स
बट अभी मुझे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होते फील हुई थी, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई एंड इट गेट्स क्लाउडी अगैन तो आई डोंट थिंक विल बी एबल टू विटनेस द सनसेट प्रॉपरली, बट नंदलेस द व्यू फ्रॉम द टॉप इज वेरी ब्यूटिफुल. लाइक इवन इफ आई डोंट गेट टू विटनेस द सनसेट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, मुझे लगता है इट वॉज सो वर्थ इट इस जगह पर आना. एंड आई थिंक आप सब लोगों को इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में रखना ही चाहिए. एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, ओ माई गॉड, सो ब्यूटिफुल. वाओ, यही मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, यही आना था मुझे. सब तो धुंध हो गया, अब नहीं दिख रहा कुछ. I did not vlog much, like I did. मैंने time lapse बनाया but I don't think it turned out that good क्योंकि बार बार बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जा रहा था and काफ़ी सारे लोग थे तो table वगैरह हिल जा रहे थे तो उसकी वजह से मेरा time lapse बहुत बार बीच में interrupt हो गया था. So it did not turn out how I planned it to, but it is captured in my eyes. Like I can feel what I saw there and it felt like all the फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दे सीम सो इनसिग्निफिकेंट. पहले जब मैं गई तो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बैड कि पहले क्यों नहीं पता था कि ये प्लान है, तो आई वुड हैव ड्रेस्ड अप बेटर एंड वी वुड हैव गॉटन मोर पिक्चर्स क्लिक्ड, बट देन आई इन्जॉयड इट. लाइक आई वॉज लिविंग इन द मोमेंट वहाँ पे एंड आई फील कि समटाइम्स इवन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको कैसा लगा? सही किया ना आके, होटल जाके क्या मज़ा थोड़ी आता है ना. आई गेस it was just destined for us to be here at this time, you know, you're always at the right place at the right time, so just trust the process. Actually that is something that I was telling myself while I was sitting up there and isliye I just thought to share it with you guys as well. Abhi we are headed back so that hum hotel bhi time se hi pahunch jaye. Jo city ka light view tha wo bhi dekhna tha, we missed that because agar hum wo par baith ke dekhte तो वी वुड हैव गॉटन रियली लेट. एंड अभी इधर रस्ते में थोड़ा सा जंगल वाला भी रूट है, वुडेंट हैव बीन दैट सेफ, तो वो हम मे बी मिडवे पॉज करके ही देख लेंगे क्योंकि कुछ कुछ जगहों से वो व्यू ऑन द वे भी पड़ जाता है. एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ, आपको मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, इट इज़ बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल हियर एंड ऑल्सो आई एम वेरी लो ऑन एनर्जी बिकॉज अगेन आई हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली. सो लेट्स गो नाउ. वन इज इन द हार्ट ऑफ जयपुर, लाइक जो हवा महल है उससे दिस वन इज 3-3.5 किलोमीटर्स अवे. तो लास्ट टाइम जो हमारा होटल था इट वॉज लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स क्योंकि एक तो हम पीक सीजन टाइम में आए थे, ऊपर से एक रात पहले हमने बुकिंग करी थी तो वी डिड नॉट फाइंड गुड ऑप्शन. बाहर से तो अच्छा लग रहा है, नाउ वी गोना गो इनसाइड एंड सी हाउ वेल इट इज, यू नो द रूम्स, द क्लेनलीनेस, द सर्विस एंड ऑल. बट इसी मतलब हमारा जो होटल है ना उसके बाहर ही देयर इज दिस लिटिल फ्रेंच होम which is sort of like a cafe, brewery and Cibo Italiano. I don't know what that one means.
just got a room. The moment I enter, on the left side, I have this cute little mirror. Iske bagal mein hi, we have a cute little TV and a storage box kind of situation. Then samne hi, we have this curtain. Bahar ka view abhi thode mein dikhati hu. And then samne hi, we have this bed, double bed. And I love this wall accent. And I absolutely love it. Like, it looks so damn pretty. This is the entire panel. And then we have two side tables. And then here we have the storage wala situation. Washroom. Enter karte, we have like a basin here. And a mirror here. The pot situation. I love these tiles. And the shower area. So yeah, this was a cute little room tour. Iske bahar kuch bhi nahi hai. It is not a balcony, it is a window. Iske peeche there is just kabada, nothing else. So it's not worth, showing in the video. But yeah, this is the cute little room. I really, really like it. I am gonna have a really good night's sleep today. And I'm very excited for it. Kyunki main kal raat bilkul nahi soyi hu. And now I am tired. Morning guys, I woke up at 7 a.m. abhi 7:30 ho raha, not 7, I woke up at 6:45 ish and abhi 7:30 ho raha and I'm still in bed. I freshened up a little but abhi mujhe bahut zyada neend aa rahi hai. And the one thing that I hate about the mornings when we are on a trip is that my parents go crazy. Oh, jao 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 late ho gaye, jao 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 late ho gaye. And super super, I'm already very cranky. Up until A, either I take a bath and get ready, or B, I get my coffee. But nahi, wo dono cheeze hone se pehle hi they are like on top of our heads. So that is what is happening. But I wanted to just check in the vlog. The room was very comfortable. The bed was very comfortable. Just one thing that I did not like was ye jo entry wala door hai na. उसके टॉप में इफ यू कैन सी देयर इज लाइक अ ट्रांसलूसेंट ग्लास थिंगी, उससे लाइट अंदर आई है रात में. ऑब्वियसली उसमें से कवर करने के लिए कुछ है नहीं. एंड आई फील दैट द कस्टमर शुड हैव एन ऑप्शन, उसके पास कुछ होना चाहिए जो कि हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, हम चाहे तो खोल सकते हैं. बिकॉज आई एम समवन हु लाइक्स टू स्लीप इन पिच ब्लैक. बट वो थोड़ा सा दिक्कत है. बट थैंकफुली बिकॉज डे बिफोर यस्टरडे मैं सोई नहीं थी तो I just dozed off and I slept beautifully. Beech mein ek do baar meri neend khuli thi, I don't know for what reason, but I slept really really well. And now hum log ko plan nahi kiya hua hai ki 8:15 tak hum nikal jayenge, because Khatishyam ji ke darshan I think 12 ya 12:30 pe din mein band ho jate hain, then wo sham ko start hote hain. And like I'm not sure, maine google ki hai ye information. And sham wala darshan hum नहीं ही करेंगे बिकॉज हम लोग का आज ही रिटर्न का प्लान है. तो अगर वापस जाना ही है तो माइट एज वेल यू नो गो ऑन टाइम. मेनी आवर्स लेटर टेकिंग अ मिनी ब्रेकफास्ट ब्रेक, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो हम लोग सुबह ऐसे कुछ खाना नहीं खाने वाले हैं. सो वी आर जस्ट हैविंग लाइक फ्रूट जूस, नो नॉट इवन फ्रूट जूस, वी आर जस्ट बाइंग सॉलिड होल फ्रूट्स एंड वी आर गोना हैव दैट ओनली. यहाँ का ट्रैफिक इज सो डिफरेंट नोएडा वगैरह से. मैं फ्रूट ही खा लूंगी, मेरे को शेक पीने का मन नहीं है. यहाँ का ट्रैफिक इज सो डिफरेंट देन एनी अदर दैट आई हैव बीन टू. मतलब जस्ट लुक एट दिस, ये एक लेन है, यहाँ पे इस साइड गाड़ियां जा रही हैं, देन अदर कोने में एक लेन है जहाँ पे उस साइड गाड़ी जा रही है. एंड देन बीच में दे हैव वन अनदर लेन जिसमें की गाड़ियां दोनों तरफ चल रही है. एंड ऑल्सो कल हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे, लाइक एक नॉर्मल रोड जैसे अपना नोएडा दिल्ली में होता है, ठीक है, नॉर्मल रोड विद अ डिवाइडर इन बिटवीन. तो इसका क्या मतलब होता है, डिवाइडर है तो एक साइड ट्रैफिक उधर जा रहा है, एक साइड ट्रैफिक इधर आ रहा है. नहीं, वो डिवाइडर है, इधर भी ट्रैफिक उधर ही जा रहा है, इधर भी ट्रैफिक उधर ही जा रहा है. एंड आई गॉट सो कंफ्यूज कि यहाँ से वापसी इस साइड आने वाली ट्रैफिक किस साइड से है. लाइक वेरी वेरी कंफ्यूजिंग ट्रैफिक, यही लास्ट टाइम भी हुआ था. वी जस्ट गेट वेरी कंफ्यूज यहाँ के ट्रैफिक के साथ. जयपुर इज ग्रोइंग ऑन मी, लाइक आई हैव स्टार्टेड
liking Jaipur a little bit more this time. Last time too, you guys know how the vlog ended. I did not end on a good note here, but I feel that this city has started to grow on me. Definitely not the best place to visit during the summers because heat yahan pe bahut zyada hai. Like Noida se bhi zyada bura haal hai idhar to. एंड बट येस अभी फिलहाल तो थोड़ा ठीक ही हो रहा है. एंड यहाँ से हमारा खाटू श्याम जी सिर्फ 1.5 आवर्स का ड्राइव है. सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड ऑल्सो आई डिड नॉट डू एनी बेस मेकअप टूडे क्योंकि कल आप लोगों ने देखा था यहाँ की हीट मेरी स्किन तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही. माई मेकअप क्रैक्ड ऑल अप एंड रात में होने तक का मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी. तो आई जस्ट डिसाइडेड टू डू लाइक अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग. जस्ट थोड़ा सा ब्लश एंड थोड़ा सा आई डैब लूज पाउडर ऑल ओवर ताकि थोड़ा मेरा ऑयल कंट्रोल में रहे. एंड या आई थिंक द स्किन इज स्किनिंग तो इसकी वजह से यू नो आई डोंट नीड दैट मच मेकअप राइट नाउ. आई एम जस्ट फीलिंग द एक्चुअल नॉन मेकअप मेकअप लुक. एंड अभी डेढ़ घंटे में हम लोग पहुंच ही जाएंगे खाटू श्याम जी. अभी वहाँ का आइडिया है नहीं कि उधर का क्या दर्शन वगैरह का सीन रहता है. सो वील फिगर दैट आउट वंस वी रीच. पॉइंट मैप्स में जो रास्ता दिखाता है वहाँ पे है वाहनों का प्रवेश निषेध है. तो हम लोग को लगा कि वहीं पार्क करके पैदल चलते हैं. बदन दी गॉट ई रिक्शा एंड पीछे वाले साइड से यू कैन कम बाय योर कार इज वेल. एकदम मंदिर के सामने तक भी देर आर अ लॉट ऑफ पार्किंग स्पॉट्स. गूगल मैप्स में नहीं दिखता बट यू कैन आस्क द लोकल्स एंड दे वुड गाइड यू. यहाँ पे फुटवेयर रखने के लिए भी आपको सेवा मिल जाएगी. एंड यहाँ से वी आर गोइंग अंदर मंदिर में. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट चढ़ावे में यूजुअली रोज फ्लावर्स चढ़ते हैं. सो वी विल टेक द प्रसाद एंड ऑल एंड देन वी विल गो इनसाइड वंस आई एम डन विद द दर्शन. उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट हियर. बहुत अच्छे से हो गए हम लोगों को. अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना तो जो एंट्री होती है उसमें से एक राइट मोस्ट कॉर्नर वाली लेन बिकॉज वहां से आपको बालाजी के राधे श्याम के और खाटू श्याम के बहुत ही क्लियर दर्शन हो जाएंगे. एंड अभी वापस से इधर पूरा मार्केट स्टार्ट हो गया. यू गेट लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह. एंड जैसे जो ऐसे टूरिस्ट मंदिर वगैरह वाली प्लेसेस होती है आर ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव. लाइक एवरीथिंग इज लाइक डबल ट्रिपल द प्राइस बट इधर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू विल गेट एवरीथिंग एट सच अ रीजनेबल प्राइस एंड दे हैव सच गुड वैरायटी. मैंने लड्डू गोपाल की बहुत सारी शॉपिंग कर ली है. एंड अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड. वहाँ पे श्याम कुंड है. मुझे तो पता नहीं था. मम्मी गूगल वगैरह पे देख के आई थी कि श्याम कुंड देखना होता है आफ्टर यू विजिट खाटू श्याम जी. तो हमने बाबा के दर्शन कर लिया. अभी हम लोग श्याम कुंड का रास्ता ढूंढ रहे हैं एंड थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं टू यू टेक सम सुवेनियर्स अलोंग. हमारे सारा दर्शन अच्छे से हो गया है. इट वॉज अमेजिंग. लाइक दिस ट्रिप वॉज वेरी 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 नाइस. आई लव्ड इट ओवर हियर एंड आई थिंक राजस्थान इज ग्रोइंग ऑन मी. मुझे दो बार जो मैं आई हूँ मैंने जितनी जगह घूमी है द खाटू श्याम जी वाला जो एरिया था दैट वॉज द बेस्ट. मतलब उस जगह की वाइब्स ही बहुत अच्छी हैं. लोग इतने हेल्पफुल. एवरीथिंग वॉज गुड. अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक ले रहे हैं. अब और कोई प्लान नहीं है तो सीधे घर ही जा रहे हैं बिकॉज कल संडे है. तो वील रेस्ट. Thank you.
दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर जयपुर सीजन 2 ट्रिप. एंड ये वाली ट्रिप ऑनेस्टली आई वुड से वाज बेटर देन द लास्ट वन बिकॉज ए दैट प्लेस इज बिकम फेमिलियर टू अस. तो इस बार जब हम गए थे तो हमको काफी सारी जगहें पहचान में आ रही थी एंड इट डिड नॉट सीम लाइक अ न्यू सिटी टू अस. एंड ऑल्सो इस बार जिन दोनों जगह ही हम गए थे वो दोनों ही जगह मुझे काफी ज्यादा पसंद आई. प्लस लास्ट टाइम भी जब हम जा रहे थे तो नाहरगढ़ वॉज वन ऑफ द प्लेसेज दैट आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट बट हम नहीं जा पाए थे. एंड इस बार विदाउट प्लान हम वहां पहुंच गए थे एंड दैट वॉज ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेज दैट आई हैव हैड. ऐसे मैंने प्रॉपर सनसेट पॉइंट से सनसेट पहले कभी नहीं विटनेस किया है इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली. बट वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था एंड इट इज एग्जैक्टली 24 hours लाइक 25-ish hours एंड आई एम सिटिंग एट होम. लाइक हाउ मच कैन 24 hours चेंज योर लाइफ एंड सिचुएशंस. इट इज जस्ट सरियल एंड आई एम जस्ट मिसिंग वो सनसेट वाला व्यू अभी. बट नाउ वी आर बैक होम. अब हमने डिनर ऑर्डर कर लिया. वील जस्ट हैव डिनर एंजॉय अ लिटिल बिट एंड देन वील जस्ट स्लीप. सो आई एम एंडिंग द व्लॉग राइट हियर इटसेल्फ. आई होप आप लोगों को मजा आया हो. इफ सो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. नीचे कॉमेंट्स में बताना वट आर द वीडियोज यू वॉन्ट मी टू मेक. आई एम ऑलवेज रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स. सो प्लीज ड्रॉप देम डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय.